उठी घास दल के बकरी लपा लप दिए अलग ले बुझी के लगी है बीमारी छु बकरिया जैसे घास खाए एक सराय लाठी एक गल फरम दक दल के बकरिया गड़े धन कल के या ये तुरो मेहनत के दी एक लाठी जब लगले तो बकरिया है इन याही दल की हरू घास वही ने मुंह बढ़ल के एक लाठी एक गालों दल के है इन बटिया दल की बकरिया बुझी ले हो बाबू यही घास खाए लाठी लगी छे तीन चार लाठी दोनों गालों दल के गाल द फूली कदी मार के भाग तब बकरी मुझे नहीं खेबो घास बकरिया पहले भाग दीन भट्टर नींद दल के यहाँ लके राजा लग राजा कल के महात्मा जी खिले ले अच्छी राजा ने कहा आज परीक्षा लेंगे राजा ने घास बेगल के न बकरिया या घूमे बकरिया घास हो देखे महात्मा जी को क्रोध देखे उन्हें महात्मा जी लाठी दिखावे जरा दुख हरण कर देखी नहीं तब तुरो मेहनत हो तुय बकरी पीछू हटे हो बाबू फरू मार लगते बकरिया नहीं खाए पाछुए घीचे राजा ने कहा बाबा क्या खिलाए हैं इसको बकरी घास नहीं खा रही है कल के खाली लाठी खिले ले छिगरा तब मुंह लो जन ग्रो कदी मार की मारे लाठी से मुंह फूले ले छो नदियां ढेरी लोगों को फजती कर ले सज्जनों मन रूपी बकरी को जब तक ज्ञान ध्यान रूपी लाठी से नहीं मारिएगा तो आपको रात में भी नहीं सुने देगा नींद नहीं होगा शरीर यहां है मन दौड़ेगा तिलका मोहियो बेकारे नहीं ले जितिए एक ठेला को भी बढ़िया बिकी जितिए नींद होगा आपको इसलिए संत महात्मा कहते हैं सज्जनों कबीर साहब भी तो कहते हैं मन का तरंगे मार लो बस हो गया भजन मन का तरंगे मार लो बस हो गया भजन मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आए हो कहां से जा रहे हो कहां इतना अगर विचार लो बस हो गया भजन। आइए सज्जनों द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर भीष्म पितामह के चरणों में सर झुका के खड़ी भीष्म पिता मैंने सोचा ये साधारण नारी नहीं है सत्संग भजन ध्यान पूजा करने वाली है नारी भीष्म पितामह के मुंह से आशीर्वाद निकल गया आशीर्वाद मुंह से निकल गया सुहागवती हो बेटी अरे तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटे की बेटी Thank you.
बेटी तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। सुहाग तुम्हारा या चल रहे भीष्म पितामह ने हृदय खोल करके आशीर्वाद दे दिया बेटी। सुहाग तुम्हारा या चल रहे माथे से सिंदूर नो कभी खाली हो बर देता हूं यह बेटी मैं वीर कुमारी वाली हो। सुहाग तुम्हारा अचल रहे माथे से सिंदूर नो कभी खाली हो बढ़ देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली हो। आहा भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया बेटी इतनी बड़ी रात्रि में मेरे चरणों में सर झुका के खड़ी हो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हारे माथे से सिंदूर कभी खाली नहीं होगा। आहा द्रौपदी सज्जनों घूंघट ऊपर करके बोली दादाजी जरा पहचानिए मैं कौन। यह सुनकर द्रौपदी बोली यह क्या बतलाते हो कल कुछ और आज कुछ सत्यवादी कहलाते हो। द्रौपदी डट कर बोली दादाजी कल तो आपने भारी सभा में प्रतिज्ञा किया पांचों भाई पांडव को मारूंगा अभी आप आशीर्वाद दे रहे हैं यह सच्चा आशीर्वाद है झूठा आशीर्वाद। भीष्म पितामह को 103 डिग्री बुखार चढ़ गया। यह भेद द्रौपदी को किसने बतला दिया जो मेरे मुंह से जबरदस्ती आशीर्वाद छीन लिया। द्रौपदी बोली दादाजी आपने सच्चा आशीर्वाद दिया है पांचों पतियों में एक पति दादाजी मारा जाएगा आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। सज्जनों अंतिम समय है थोड़ा ही उन्हीं से प्रार्थना कीजिए जे भुट्टा पाकी लबी जाए छे न किसान पानियों ने दल को दो सुखे पाकत है जय रमिया झर करो रखे नहीं पानी दही आप एक पानी दही आप नौ सब पाकी लबी जेबे तब सुखे दिए हम वहन बढ़िया। सज्जनों संत महापुरुष याद दिलाते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है। आप नाम सुनते होंगे आप कैसेट सुनते होंगे कुछ प्रेमी जन कहते होंगे कैसेट में जे सुन रही हूं नहीं भले कैसेट तो आप बराबर सुनते हैं हम तो बराबर आते नहीं है इसलिए कुछ नई बात सुनना चाहिए। आइए
संत महापुरुष याद दिलाते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है, भगवान का मंदिर है, इसमें विषैला चीज मत डालिएगा। भगवान ने आप लोगों को भोजन करने के लिए पहले मशीन दे दिया है कि इस मशीन से भोजन को चेक कर लीजिए, भोजन करने लायक है कि अगला कुछ के मशीने के भैंसियाग भी मशीन छे, बरदाग मशीन छे, आप पहुंच के मशीन छे, भोजन उठाइए तंडा इन्ने आवत ये इन्ने भैंसिया के लादीन जैसे कुट्टी दे दे छे तो वह पहले मशीन वो चेक करे तब वह खाए छे। भैंसिया के लादी में पूरा लाद भरी दिए गहमोग रोटी से, चार कल छुल मछली दे दिए ऊपरों से, डेढ़ महीना भैंस भूखलो अरे मछली रोटी खाते एकदम मशीनों चेक कर जिन्ना भाई भोजन नहीं खाई आदमी विशान महावीर जी किधर मछली हूँ 75 रुपया भाऊ महाराज मह की किलो दे 45 किलो दे कहते लइयो ल भाई तोरो मशीने काम नहीं करे जी की भैंसिया कते ज्ञान है कि मैं मछली नहीं खेते तो जरा विचार कीजिए। भगवान ने आपको भी मशीन दिया है, मनुष्य के लिए 56 प्रकार के भोजन है, जरा नाम सुनिए। पारसाही आलू परवल की तरकारी, महाराज स्वयं भुटिया कचनार खीरे ककड़ी, बैगन भिंडी की दे रही बाहर तोरई लौकी कोबी कटहल की नियारी, करेले सुखसार पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हरियक मरबा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी खस्ता सेब सुहाल बर्फी तरी सब दाल रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी बड़े तिकोने के दलमीस, खीर दूध मलाई की छविधान पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कवि क्या करे बखान। इतने इतने भोजन रहते भी फिर भी मनुष्य मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, जोर मथा घसकल खई नहीं खाते। ये भगवान का मंदिर है, आप भोला बाबा का मंदिर बनाए हैं कितना साफ रखते हैं, ईटा सीमेंट गिट्टी छोड़ बालू से बनाए हैं, समय समय पर चुन उठते हैं, उस मंदिर में आप जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। जय मंदिर के स्वयं परम पिता परमात्मा बनाई देने से अकरा में अगरबत्ती के बदला में सिगरेट के धुइया बीड़ी भीतरी में जाए, केला तैयार केना पकावे रे, खंधा खानी केला गाड़ी दे रे, बैसाखी भूसा गे हिमो धुइया मारे रे, केला पाकी जा रही है जे गर्मिल का धुइया जिते यत्री घोटी भीतरी पाकते कि नहीं पाकते। इसलिए संत महापुरुष बतलाते हैं कि जीवन में चाहिए भोजन विचार करके करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कौन बिगाड़े आप जग में हो धसाए। वैसे तो ज्ञान की बात खूब कही है, लेकिन जिसको अज्ञान रूपी रतूनी लग गया है उसको ज्ञान काम नहीं करे, कहते हाँ हाँ सब भाई बमाया नहीं कही जा एक रहे कहला पर मछली छोड़ी दिया, बकरी छोड़ी दिया या दारू छोड़ी दिया। अज्ञानता के कारण बहरा है, सुन करके यदि नहीं उतारते हैं तो समझिए वो असली बहरा भी, अज्ञानता के कारण बहरा भी होता है। कैसे होता है, एक हर वहा और जोते रहे हर वहा रहे बहरो, आवे गए दूटा पुलिस, पुलिस के हर वहा गई रिजर्व, अरे हमको सब और जाना है कौन रास्ता से जाएंगे, हर वहां रहे बहरो हर वहां के सर इचर का बर्दा द्वार ये पड़ के क्या है, इसीलिए भी आप बोल ले रहे। पुलिस ने कहा उन्हें पूछते हैं हमको सब और जाना है कौन रास्ता से जाएंगे, कल के बाबू 35.5 सौ दिन छे यह लग लग बर्दाश्त किया। पुलिस गुस्सा आ गए, धल गए 3-4 लाठी बेकूफ कहीं का, पूछते हैं सब और कैसे जाएंगे 35.5 समझने से, दूसरा पुलिस कल के छोड़िए सर बहरा आदमी बेचारा यारी पर बैठी कौने लग कौने एकदम ये
संजोग से माई आबी ले कलो लेके माई बुझी ले शायद बेर जे भ गेले नहीं अयली हमरो बेटा भूखे कानी रह माय उहो बहिरिये रहे माये कल के बेटा खाए ले कधी कोने जे बेर के कलुए बनल हम कखनी ले कहती हो बेटों कहे या हमरा पुलिस से मारने छे माया कहे बेर तो झुकी गेबे कर ले हम नहीं जाने छे तोरा भूख तो लग ले हो तो बेर तो झुकी गेबे कर ले अब बेचारी काने भोकरी भोकरी बूढ़ी आगे मैयो हाल जो तैम हमरो बेटा है कनले कने छेगे माईयो आगे वैयो आना जर सुई हमरो बेटा मानियो बेचारी कान है कहना पुता नहीं बोल नहीं खाना गे हाँ भैया देर के कल में कर दिया कखनी लगी थी बेटा कखनी लगी थी बेटा खेबो करे शिष्या शिष्या कौन बो करे माया बुझी ले जब खा जी कोने जी के एक मतलब से तरकारी हम बेसी आए मरचाइन मोटिक देने छे माया कल के खान ले या जा छे पुतहुआ के यतड़ी दुहिल में पगड़ी लड़ते लड़ते की बुझले छे मैं आई मलकान रजलो बनली छे रजलो बूढ़ी बेचारी ले घर पुत हुआ कहे हैं तो मलकान तो रज लो भाई खाऊ पोने ता तोरा क्या कल घर वत्ते मर जाल बोटी की दल तरकारी में तोरा तोरा भाई और भांफी खाई हूँ ना पुत हु बेचारी वो हो बहिरी रहे पुत हु बहिरी रह बेगर पुतहु के लिए दुआरी पर पुतहु बिगड़े ससुरो पर ससुरो कह सुने छो मैयो बोली सुने छो गज गज ताकै छ हमें चोरनी कहिया चौर बेचलिए कहिया चौर बेचल छी हम कहिया चौर बेचिए कौन भाई खोकिया कलेजी दाल मोट खेलिए हम चौर बेची के कहिया चौर बेचने छिए ससुर बेचारा वो हो बहरो रहे ससुर कल के हैं कुटे छाटे जो तो समाठ पूछे लाओ जो हमरा लो खनही संग नतनी समाठ केकरा दल के समाठ हम ही जो बारी समाठ हो सज्जनो इसी तरह से मनुष्य संसार में अज्ञानता के कारण बहरा है। संत महापुरुष गांव गांव में जाकर चेताते हैं समझाते हैं यदि संतों की वाणी पर नहीं आप अपना सुधार करते हैं तो आप संत महापुरुषों की वाणी को ठीक से नहीं सुनते नहीं जीवन पर उतारते हैं तो आपका जिंदगी बेकार संतों की वाणी ठीक से सुनिए। एक महात्मा जी चला कल कहे रे कुर्ता ले लियो कुर्ता कुर्ता में तीन अक्षर हो जो सिद्ध हुआ हिज्जत लगाए देवे ना तो तोहर सुकार रो तो करता कुर्ता चलवा गेले बिचला अक्षर रो गेले भुला गए दोनों बगलिए याद रह गेले कोहर सुकार ताकर बुझिले कुतवा के लजिया में चलवा गेले एकटा कुत्ता पकड़ ले ले कल के हला धरो जल्दी सी गुरु महाराज कल के ई कथिना है रे कल के तो ही ने कलो यहां ने कल कुर्ता कुत्ता कुत्ता
चलवा कल के बाबा पिछला अक्षर रो गए हम भूला गए दोनों बगलिए जी याद रह गए यही लिए हम कुत्ता हमने ठीक से सुनिए समझिए जीवन पर उतारिए। अब देखिए द्रौपदी भीष्म पितामह से कहा दादाजी आज तो आपने आशीर्वाद दिया है पांच पति में एक भी पति मारा जाएगा तो आपका आशीर्वाद झूठा होगा। भीष्म पितामह को 103 डिग्री बुखार चढ़ गया। अब भीष्म पितामह ने कहा बेटी या तो बताओ कि यह भेद तुमको किसने बतला दिया। अब द्रौपदी चुप हो जाती है कहीं भगवान के नाम बताऊं और कहीं भगवाने के श्राप दे देता। द्रौपदी चुप हो जाती है। भीष्म पितामह ने सोचा देखें तो कोई बाहर में भी है जैसे भीष्म पितामह बाहर निकले कृष्ण भगवान ने सोचा कहीं भीष्म पितामह श्राप न दे दे। कृष्ण भगवान झट से पीतम्बरीय का साड़ी बनाकर पहन करके घूंघट लगा करके दीवाल के नजदीक खड़ी आहा भीष्म पितामह ने देखा अरे बाहर देखा जो बाबा ने जोड़ी का दृश्य निराला था। बाहर देखा जो बाबा ने ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतंबर के घूंघट लिए वो खड़े बोसरी वाला था। आज कृष्ण भगवान दासी बनकर के यहां तक आए। भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के चरण पर गिर पड़ा प्रभु आप धन्य हैं जो दासी के रूप में आकर द्रौपदी को इतना कीमती ज्ञान दे दिया जो मेरे मुंह से जबरदस्ती आशीर्वाद छीन लिया। चरणों से जाकर लिपट गए छलिया था छल करने आया अपने भक्तों के काम बनाने दासी के रूप बनाया। आहा भीष्म पितामह ने कहा प्रभु पीतामणि को खोल करके हटाई। जैसे पीतामणि पकड़ करके खींचते हैं जुत्ती का पोटली एक तरफ गिर पड़ा। भीष्म पितामह ने सोचा पोटली में क्या है कोई जलपान की व्यवस्था भी तो नहीं रखते हैं। अब भीष्म पितामह जबरदस्ती पोटली पकड़ लेते हैं। कृष्ण भगवान लज्जित हैं कहीं कहीं देखेंगे जूती तो क्या कहेंगे पता नहीं। अब कृष्ण भगवान खींचे इधर तो भीष्म पितामह खींचे उधर दोनों में खींचाता। भीष्म पितामह ताकतवान थे जबरदस्ती पोटली छीन लिया। खोल कर देखते हैं तो द्रौपदी की जूती है। आहा सज्जनों कहते हैं द्रौपदी की जूती है पीतांबर के कोने में करुणा के भार लिए लगे पीतांबर रोने में। भीष्म पीतांबर रोने लगे प्रभु आप धन्य जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कुली तक का भी काम करते हैं। कुली साधारण नहीं जूती ढूंढने वाले आप कुली हैं जो अपने भक्तों की जूती तक भी पीतामणि में बांध कर कंधे पर उठा ले। क्या अपने भक्तों को कभी संकट आने देंगे नहीं प्रभु आप धन्य। सज्जनों परवल प्रेम के पाले पर कल प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए। भक्तों के मान नो टलते देखा। भगवान यदि चाहते कि हम भगवान हैं तो द्रौपदी का जूती नहीं उठाते।
लेकिन भगवान गुरु की चरणों में यदि आप एक गुना प्रेम कीजिएगा तो भगवान 100 गुना आपसे प्रेम करेगा। भीष्म पिता मैंने आशीर्वाद दे दिया, बेटी जा, कल जो हम ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में प्रतिज्ञा किए थे यानी केवाला किए थे 5 पांडव को मारूंगा, वह केवाला अभी रद्द हो गया। अभी जो हम आशीर्वाद रूपी केवाला किए हैं जिसमें सनाकत में कृष्ण भगवान है, यह केवाला रद्द नहीं होगा। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ विजयी तुम्हारी है। पतियों का बाल बाकन होगा जब रक्त छग कृष्ण मुरारी है। बाकन होगा जब रक्त छग कृष्ण मुरारी है। सज्जनों, हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ विजयी तुम्हारी है। पतियों का बाल बाकन होगा जब रक छक कृष्ण मुरारी है। आहा, द्रौपदी हाथ जोड़ करके विनती करती है, बाबा गुरुवर तुझे रिझाओ, गुरुवर तुझे रिझाओ, अरमान में यही है गुरुवर तुझे रिझाओ। अब सोच क्या करूं, अब सोच क्या करूं, समान कुछ नहीं है गुरुवर तुझे भाव, अरमान में यही है गुरुवर तुझे भाव।